ढोल गंवार सूत्र पसुरानी सकल ताड़न के अधिकारी। अब ये सीख से है, शिक्षा से है। तो मैंने शुरू में इसी बात को कहा ना, विरासत में नहीं मिलती। हम इस बात को जानते हैं कि रामचरितमानस अवधि में रची गई, और अवधि का एक वाक्य है कि भैया इतनी देर से कैका ताड़त आहा। आप कुछ बताएंगे इस कौन बात क्या है, ताड़त का मतलब क्या है, इसमें क्या मारने से है क्या? देखने से है न हो। अरे फिर अध्यक्ष महोदय, संरक्षण अध्यक्ष महोदय आपसे संरक्षण है क्योंकि आपने मुझे रोका था, याद है आपको? मैंने आपको रोका नहीं, कभी नहीं बोला। मैंने बोला आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं बोलना चाहिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भाषण नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे यही निवेदन है। कॉन्टेक्स्ट में है ना, इसमें माननीय अध्यक्ष जी जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो कोई मुझे तो क्रिकेट का विषय जो आया वो क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं था क्या? बोलना वो भी आउट ऑफ कॉन्टेस्ट था। ये अपने आप में नहीं, ये टोकना नहीं चाहिए बात। जब नेता विपक्ष बोल रहे थे किसी ने भी नहीं टोका, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बाकी ये बात नहीं चाहिए बाल बाब। महोदय दूसरा है, हमारे बुंदेलखंड से माननीय सदस्य कितने हैं? थोड़ा हाथ हाथ खड़ा करेंगे सब लोग बुंदेलखंड के। हाँ बैठे महोदय। बुंदेलखंड संत तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो आज के चित्रकूट जनपद के अंदर राजापुर गांव में हुआ था, और वहां पे अगर आप देखेंगे बुंदेलखंडी में अगर हम बात करेंगे एक बुंदेलखंडी में बुंदेलखंडी में भी एक वाक्य मैं बता दे रहा हूं, देखिए शब्द वही है, भैया मोरे लड़कन को ताड़े रखियो। देख यानी उसकी देखभाल करते रहो, इसका मतलब उसका संरक्षण दो, उसको लालन पालन करके जो जिस लायक है उस लायक शिक्षित करो, प्रशिक्षित करो, इसका मतलब ये है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यालय आज इस समय संत तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा है, रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को किस तरीके से नादर भाव के साथ जगह जगह करने का प्रयास कर रहा है। और महोदय यह चौपाई है कहां पे? अगर आप रामचरितमानस के सुंदर कांड में जाएंगे तो सुंदर कांड में यह प्रसंग तब आता है जब भगवान राम 3 दिन तक समुद्र से लंका में जाने के लिए रास्ता मांगते हैं और रास्ता नहीं मिला। तो पहली चौपाई तो मैंने पहले बता दी थी जब उन्होंने कहा कि भय बिन होई न प्रीति, और तब जब लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के राम जी के पास जाते हैं और भगवान राम को देते हैं और भगवान राम तीर का संधान करके फिर समुद्र को चेतावनी दे करके आगे की कार्रवाई करते हैं, तब समुद्र खड़ा होता है और भगवान राम के सामने फिर कहता है, महोदय ये वही पंक्ति है, प्रभु भल कीन मोई सिख दिन है, मर जादा पुनि तुम्हारे किन है, ढोल गंवार सूत्र पसुरानी सकल ताड़न के अधिकारी। अब ये सीख से है, शिक्षा से है। तो मैंने शुरू में इसी बात को कहा ना, विरासत में नहीं मिलती। ढोल एक वाद्य यंत्र है, कंवार का मतलब अशिक्षित से है,
शूद्र का मतलब श्रमिक वर्ग से है, किसी जाति विशेष से नहीं है।